हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल और आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए जैकेट बनाने के लिए मैंने एक मीटर देखिए कपड़ा लिया ये है ये जॉर्जेट का फैब्रिक है इसमें सीक्वेंस वर्क है तो एक मीटर में आराम से हमारी शॉर्ट जैकेट बन जाएगी और आधा मीटर मैंने लाइनिंग ली है ये आधा मीटर मैंने इसलिए लिए है क्योंकि हम स्लीव्स में लाइनिंग नहीं लगाएंगे तो इसलिए मैंने ये आधा मीटर ली है तो ये देखिए मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये फोर फोल्ड हो गया क्योंकि बैक और फ्रंट हम एक साथ कट करेंगे पहले हम लाइनिंग पे कट करेंगे उसके बाद जो हमारा मेन कपड़ा है उस पर कट करेंगे तो देखिए सबसे पहले मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी तो जो हमारी जैकेट की लेंथ होगी वो पंद्रह इंच होगी और एक इंच में मार्जिन लूँगी तो टोटल तो मैं सोलह इंच लूँगी और शोल्डर में लूंगी साढ़े सात इंच क्योंकि पीछे का गला हमारा छोटा रहेगा तो इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लूँगी शोल्डर तो साढ़े सात में निशान लगा लिया मैंने और आर्म होल में लूँगी सात इंच देखिए सात में निशान लगा लिया तो चेस्ट साइज है हमारा बत्ती उसको डिवाइड करेंगे फोर से और प्लस उसमें वन करेंगे तो बत्तीस को डिवाइड करेंगे फोर से तो आठ आएगा प्लस उसमें वन करेंगे नौ इंच आएगा वेस्ट हमारी अट्ठाईस है उसको भी डिवाइड करेंगे फोर से प्लस उसमें वन करेंगे तो अट्ठाईस को डिवाइड करेंगे फोर से तो सात आएगा प्लस उसमें वन करेंगे तो आठ इंच तो आठ निशान लगा लिया मैंने इस तरह से मिला लेंगे आपको भी अपने साइज़ के हिसाब से ऐसे ही करना है और देखिए डेढ़ इंच हम मार्जिन ले लेंगे और अब हम शेप देंगे अपने के की देखिए ये बैक की शेप होगी और आधा इंच हम अंदर तरफ जाएंगे और एक शेप हम और देंगे जो हमारी फ्रंट की होगी ये देखिए हाफ इंच ऊपर से हम शोल्डर डाउन करेंगे तो चलिए अब कट कर लेते हैं इसे तो जो बैक वाली शेप है सबसे पहले हम उस पर कट करेंगे और उसके बाद हम एक पार्ट अलग करके फिर हम फ्रंट की गहराई देंगे आरमूल की तो देखिए अब एक पार्ट निकाल लेते हैं और अब हम गहराई देंगे और देखिए जो लाइनिंग कट की है उसको हमने जो हमारा मेन कपड़ा है उसके ऊपर अच्छे से हमने पिन से सेट कर लिया है और सेम इसी के साइज़ के हम कट कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने कट कर लिया है जो हमारा मेन कपड़ा है ये देखिए अच्छे से पिन लगा लिए हमने इसमें और अब इसका हम नेक कट करेंगे तो सबसे पहले हम फ्रंट का नेक कट करते हैं तो नेक की जो चौड़ाई होगी वो मैं ढाई इंच लूँगी और लेंथ में लूँगी साढ़े तीन इंच तो देखिए इसे कट कर लेते हैं नेक को और इसके बाद हम देखिए इसे बीच से अलग कर देंगे देखिए ये देखिए हमने कट कर दिया बीच से और हम बैक नेक कट करेंगे चौड़ाई में ढाई इंच लूँगी और लेंथ में इसे सिर्फ आधा इंच ही अंदर की तरफ लूँगी तो देखिए इसे भी हम कट कर लेंगे देखिए हमारा बैक पार्ट है और ये है हमारे फ्रंट तो इस तरह से आएगी हमारा तो चलिए अब स्लीव से कटिंग करते हैं तो देखिए कपड़े को मैंने इस तरह से डबल कर लिया है अब इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे और लेंथ में लूँगी स्लीव्स की हमारा तैयार तो जो लेंथ है वो उन्नीस इंच है एक इंच में एक्स्ट्रा ले लूँगी तो बीस इंच ले लूँगी यहाँ से मैं सात इंच लूँगी और तीन इंच पर निशान लगाया और यहाँ हम शेप देंगे और स्लीव्स की मोरी है हमारी साढ़े चार इंच इसे देखिए इस तरह से मिला लेंगे और डेढ़ इंच में मार्जिन लूंगी इसे भी मिला लेंगे और इसे कट कर देंगे ये देखिए जो फ्रंट की जो स्लीव की गहराई है वो देंगे हम देखिए स्लीव की कटिंग हो चुकी है हमारी तो कटिंग हमारी हो चुकी है अब इसको सिलना स्टार्ट है करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बैक पार्ट है अब इसके ऊपर हम लाइनिंग रखेंगे ये देखिए इस तरह से इस पर हम पिन लगा लेते हैं ताकि हमारा सिलाई करते वक्त हिले ना और अब हमें देखिए आर्म होल और शोल्डर छोड़ना है बाकी हमें सभी तरफ से सिलाई लगा के इसे सिल लेना है सिर्फ शोल्डर और आर्म होल हम खुला छोड़ देंगे तो देखिए फ्रेंड्स सिलाई लगा ली है हमने और आर्म होल और शोल्डर हमने खुला छोड़ दिया है हमें अलग से नेक बनाने की जरूरत नहीं है हमारा नेक इसी में बन जाएगा तो देखिए सिलाई लगा ली है हमने और अब जो नेक है उस पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाए और वैसे हम सीधा करेंगे देखिए फ्रेंड्स ये सीधा कर दिया है हमने और एक सिलाई हम इसके नेक पे लगा लेंगे ताकि हमारा अच्छे से, से सेट हो जाए नेक देखिए सिलाई लगा ली हमने नेक पे और इसी तरह से हमें फ्रंट भी तैयार करने हैं तो फ्रंट पे भी देखिए इस तरह से हम लाइनिंग को रखेंगे और इसे भी हम शोल्डर और आर्म होल खुला छोड़ देंगे और बाकी हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे ये देखिए इन नेक से हम नीचे की तरफ और इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेंगे सिर्फ आर्म होल और शोल्डर हम खुला छोड़ देंगे देखिए यहाँ भी हम इस तरह से कट लगा लेंगे नेक पर और इसे सीधा कर लेंगे देख लीजिए सीधा कर लिया है हमने और इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे देखिए नेक पे और नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे इस पर हम तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने दोनों पार्ट देखिए तैयार कर लिए और अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे देखिए अब इसके हम शोल्डर सिल लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने शोल्डर भी अटैच कर लिए और अब इसकी हम स्लीव्स अटैच करेंगे तो देखिए जो गहराई वाला हिस्सा है स्लीव्स का वो हमारे फ्रंट की तरफ आना चाहिए इस चीज़ का ध्यान रखें स्लीव जोड़ते वक्त अब देखिए इस तरह से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसे देखिए पूरा जोड़ते हुए ये देखिए इस तरह से आपको पूरा जोड़ना है देखिए दोनों स्लीव्स हमें ऐसे ही ज्वाइंट करनी है तो देखिए फ्रेंड्स एक स्लीव हमने जोड़ ली है दूसरी भी हमें ऐसे ही ऐसे ही जोड़नी है तो देखिए दोनों स्लीव्स हमारी जॉइंट हो गई है और जो नीचे का देखिए स्लीव्स की मोरी है इनको भी हम फोल्ड करके देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने स्लीव्स भी देखिए नीचे से फोल्ड कर लिए और और इसकी हम फिटिंग करेंगे तो ज़्यादा फिटिंग नहीं करनी है हमें से क्योंकि हमें ये थोड़ा लूज़ रखना है जैकेट है तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी जैकेट कंप्लीट हो गई है आप इसको और अच्छा के लिए इसमें लेस का यूज़ कर सकते हैं देखिए इस तरह से आप इसमें लेस लगा सकते हैं अगर आप किसी प्लेन कपड़े में जैकेट बना रहे हैं तो इस तरह से लेस जरूर लगाइए इससे इसका लुक और भी बढ़ जाएगा मगर मेरा कपड़ा काफ़ी हैवी है जैकेट का तो इसलिए मैं लेस का यूज़ नहीं करूँगी और देखिए यहाँ हम कपड़े की डोरी बना के लगा लेंगे और उसमें लटकन लगा लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स ये फाइनल लुक है हमारे जैकेट का ये कंप्लीट हो चुकी है इसे मैंने देखिए डोरी लगाई है और इसमें इस तरह से मैंने गोल्डन कलर की लटकन लगा ली है आप देख सकते हैं देखिए और देखिए इसे आप कुर्ती के साथ या गाउन के साथ कैरी कर सकते हैं ये देखिए मैंने ये गाउन रेडी किया है इसी के साथ मैंने जैकेट बनाई है और इसकी वीडियो पहले मैंने अपलोड कर चुकी है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से देखकर आप इस गाउन की कटिंग और स्टिचिंग देख सकते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए शेयर करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी नए डिज़ाइन के साथ तब तक के लिए गुड बाय